सर आखिरकार वक्त का जो बिल है उसे पेश किया गया है, चर्चा चल रही है, इसमें ऑपोजिशन के साथ चर्चा नहीं की गई है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से बातचीत नहीं की, आपका क्या रिएक्शन है? कि हम ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है कानून यहाँ पे लोगों ने पेश किया है पार्लियामेंट में, उसका पुरजोर रीत से विरोध करते हैं। यह असंवैधानिक है, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, डिस्क्रिमिनेटरी है, ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन के अगेंस्ट का बिल है और ये सरकार की नीयत दर्शाता है जो हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस जो मुसलमानों से नफरत करती है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है कि अब इनको हमारी जो वक्फ की जमीन है जिसपे हमारे कब्रस्तान है, हमारी मस्जिद है, हमारे मदरसे हैं, जिन पे हमारे बेवाओं का, हमारे यतीमों का अधिकार है, वो भी सरकार छीन लेना चाहती है। सरकार को पता है वक्फ एक्ट 1995 ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, 2013 में इसमें अमेंडमेंट भी आ चुका है, फिर भी इस तरह का बिल इंट्रोड्यूस करके सरकार जो वक्फ बोर्ड के पावर है, जो वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर है, वो पूरा छीन लेना चाहती है। अब ये सब सर्वे कौन करेगा, ये सब कलेक्टर करेगा, जब वो सब करेगा तो वक्फ बोर्ड क्या करेगा? और इनको ऐसा बोलना है कि नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसा क्यों दे दिया? अरे साहब, अगर कोई इंसान, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है कोई प्रॉपर्टी, तो वो सवाब की नियत से की जाती है। जब कोई वक्फ करता है तो उसका एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ता है सबको। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर आपको पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, उसके बाद स्क्रूटनी होता है, उसके बाद गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आता है, गैजेट बन के आता है, फिर वक्फ होता है, मुतल्ली होते हैं वहां पर। मगर ये सरकार की नीयत अब ये हो गई कि नहीं, ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी इसको हमको हासिल करना है। सुप्रीम कोर्ट तक ने बोल दिया वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, आप उस वक्फ की प्रॉपर्टी को ना बेच सकते हो ना उस पर थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर सकते हो। मगर सरकार की मंशा देखिए अभी आ गया, तो हम तो बोल रहे कि पूरी तरह से इसका विरोध करेंगे, संविधान में अधिकार दिया है हमको कि हम इसका पूरा विरोध कर सकते हैं, रस्ते पे आना पड़ा तो रस्ते पे भी जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, हर तरफ से संवैधानिक तौर से अपने फंडामेंटल राइट का यूज करते हुए हम इस बिल का विरोध करते हैं। हम तो चाहेंगे कि सरकार इस बिल को फौरन विड्रॉ कर दे। थैंक यू सर।